भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उन्हें हर चीज पसंद आती है। वो बहुत ही भोले हैं और थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जिनको चढ़ाने से देवी देवता खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वहीं कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनको चढ़ाने से विपरीत परिणाम भी मिलते हैं। कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसे भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है। कहते हैं कि भगवान शिव जहाँ भोले हैं वहीं वो अगर गुस्सा हो जाए तो रौद्र रूप भी ले लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी सामग्री जो कि पूजा करते वक्त भूल कर भी आपको भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आइए देखें। मगर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। कहते हैं कि भगवान शिव पे शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शंखचूर नामक राक्षस ने बहुत उत्पात मचा रखा था, तो भगवान शिव ने त्रिशूल से शंखचूर को मार दिया था और उसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए शंख से कभी भी शिव जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह हमारे पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर या शिव जी पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, जब ब्रह्मा जी ने शिव जी से झूठ बोला था तो उस वक्त ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया था शिव जी ने और केतकी के फूल को भी श्राप दिया था कि केतकी के फूल को कभी भी शिव जी पर अर्पित नहीं किया जाएगा और शिवलिंग पर भी नहीं चढ़ाया जाएगा। उसी समय से केतकी के फूल को शिवलिंग और शिव जी पर चढ़ाना अशुभ माने जाने लगा। यूं तो हर पूजा में तुलसी का पत्ता बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि शिव जी पर कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा हमारी पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि शिव जी ने तुलसी जी के पति जालंधर का वध किया था और उसके बाद तुलसी जी ने अपने आप को शिव जी पर अर्पित करने से मना कर दिया था। तुलसी जी ने कहा कि उनके अलौकिक गुणों से शिवलिंग हमेशा वंचित रहेगा, कभी भी तुलसी के पत्तों को शिवलिंग या शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना होती है। स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर अपने पति की लंबी उम्र की कामना और उनके स्वस्थ जीवन के लिए लगाती हैं और इसी इच्छा से वो भगवान को भी सिंदूर अर्पित करती हैं कि उनका सौभाग्य हमेशा बना रहे। लेकिन शिव जी को विनाशक बताया गया है, इसलिए शिव जी की सिंदूर से पूजा नहीं की जाती। शिव जी पर सिंदूर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं देवताओं को जो चीजें चढ़ाई जाती हैं उन्हें जरूर प्रसाद में ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग का जिस चीज से अभिषेक होता है उस चीज को नहीं खाना चाहिए। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी पर अक्षत अर्पित किया जाता है, लेकिन टूटे हुए चावल अपूर्ण और अशुद्ध होते हैं, इसीलिए किसी भी देवी देवता के पूजा में अटूटे हुए चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी अटूट आस्था के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए कोई भी टूटा और अशुद्ध सामान उन पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी के अलावा लगभग सब देवी देवताओं की पूजा में हल्दी जरूर चढ़ाई जाती है, लेकिन शिव जी के पूजा में हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए शिव जी पर हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता। काला तिल या काले तिल से बना हुआ कोई भी सामान भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि काला तिल भगवान विष्णु की मैल से बना था, इसलिए काले तिल से बनी हुई कोई भी चीज शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। हालांकि सफेद तिल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है।
इसके अलावा लाल रंग के वस्त्र, उबला हुआ दूध और खंडित बेलपत्र भी शंकर जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह कुछ चीजें हैं जो हमारे वेदों और पुराणों में बताई गई हैं, जिन चीजों को हमें शिवलिंग पर बिल्कुल भी भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। जब तक आपको जानकारी ना हो तब तक भूल क्षमा होती है, लेकिन जब आपको चीजों की जानकारी हो तो आपको जानबूझकर कभी भी गलत काम या गलत चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो इन चीजों को कभी भी शंकर भगवान पर ना चढ़ाएं। शंकर भगवान को सफेद चीजें, सफेद वस्त्र, सफेद फूल बहुत पसंद होते हैं, तो उस चीजों को आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।